गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज MDS यूनिवर्सिटी के बी कॉम पार्ट वन के भी पेपर बिजनेस लॉ की जब हम बात करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमारा अध्ययन चल रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट्स में पिछले जो लेक्चर फाइव में हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में बात की थी, उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू रखेंगे, पार्ट टू, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स पार्ट टू। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कई तरह के होते हैं और बहुत सारी विशेषताएं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट में होती हैं, जिसके आधार पे हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या उनके प्रकार बता सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बनते कैसे हैं, उनका फॉर्मेशन किस तरह होता है, उसके बेस पे भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट के प्रकार बता सकते हैं। फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वी कैन डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट इन फोर टाइप्स। द नंबर वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली मेंशन देयर टर्म्स इन राइटिंग और वर्बली इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में अनुबंध के जो पक्षकार होते हैं वो जिस चीज़ के बारे में अनुबंध करने जा रहे हैं उसके बारे में साफ तौर पर बोलकर या लिखकर अपनी बात जो है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करके बताते हैं, इसलिए हम इनको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या स्पष्ट ठहराव, सब स्पष्ट अनुबंधों के नाम से जानते हैं, जिसमें व्यक्ति अपना प्रस्ताव और स्वीकृति साफ तौर पर बोलकर या लिखकर दूसरे व्यक्ति को कन्वे करता है, दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट करता है। तो इसीलिए इनको स्पष्ट अनुबंध या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इस तरह की जो स्थिति होती है वो सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या किसी भी प्रकार की संदेह की गुंजाइश नहीं रहती है। फेस टू फेस बात करके अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों को एक दूसरे को बताया जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से दूसरा जो प्रकार इसमें हम बता सकते हैं वो है एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या गर्भित अनुबंध भी हम कौन बोलते हैं। एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या गर्भित कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध के दोनों पक्षकार एक दूसरे के सामने फेस टू फेस उपस्थित होकर और स्पष्ट रूप से बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन वो इस तरह का आचरण या व्यवहार करते हैं जिससे कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति आसानी से समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इसको कोई प्रस्ताव दे रहा है या सामने वाला व्यक्ति इसके प्रस्ताव को मंजूर कर रहा है। यानी दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म बाई द वे ऑफ द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पार्टीज। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इन राइटिंग और वर्बली। यानी पक्षकारों का बिहेवियर, बर्ताव या उनका जो व्यवहार है उससे ये पता लग जाता है कि एक पक्षकार अनुबंध के लिए प्रस्ताव कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अनुबंध के लिए स्वीकृति दे रहा है, यदि वो साफ तौर पर बोलकर या लिखकर कोई बात प्रकट नहीं करती है। तो व्यवहार और बर्ताव से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परिलक्षित होते हैं, इनको हम बोलते हैं गर्भित प्रस्ताव, गर्भित अनुबंध के नाम से इनको जानते हैं। इस तरह के जो प्रस्ताव करते हैं उनको गर्भित प्रस्ताव होते हैं और इनकी जो स्वीकृति है उसको गर्भित स्वीकृति के नाम से जानते हैं। इसी कैटेगरी में जो तीसरी जो बात आती है वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट विच इज़ इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्रियान्वयन जो है
वो एक निश्चित घटना के ऊपर निर्भर करता है जो कि उसके उस अनुबंध के समपार्श्विक होती है। ज़्यादातर बीमा अनुबंध जो हैं वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ही आते हैं, यानी अगर कोई निश्चित घटना घटित होती है तो इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्रियान्वयन या परफॉर्मेंस की जाती है, इनको पूरा किया जाता है। अगर वो घटना घटित नहीं होती है तो इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्रियान्वयन और परफॉर्मेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे बीमा अनुबंध में भी यही है कि अगर आपने दुर्घटना बीमा करवाया है गाड़ी कार का, अगर कार की दुर्घटना होगी तो बीमा के अनुबंध को परफॉर्मेंस की और उसको क्रियान्वयन की जरूरत पड़ेगी। अगर दुर्घटना नहीं होती है, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो अनुबंध को के क्रियान्वयन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट का एक और प्रकार जो हम बता सकते हैं वो है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, QUASI, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द पार्टी। दीज ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट दीज आर ट्रीटेड बाय द लॉ एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कानून के द्वारा पक्षकारों के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं या एक तरह से थोपे जाते हैं। जब कानूनी जो फैसले होते हैं, कोर्ट के जो फैसले होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टी को दूसरे पार्टी को कोई कंपनसेशन देने के लिए निर्देशित किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि जिस व्यक्ति को कंपनसेशन देना है वो उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उसे उसका क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये व्यक्ति अपनी इच्छा से तैयार नहीं होता है, लेकिन कानून के द्वारा उनके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, थोपे जाते हैं, और इनमें वैध अनुबंध के सारे लक्षण भी मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि कानून के द्वारा पार्टी के ऊपर इनको इम्पोज किया जाता है इसलिए ये वैलिड होते हैं और इन्हें हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अनुबंध का अगला जो प्रकार हम बता सकते हैं वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जबकि दोनों अनुबंध की दोनों पार्टियों ने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया हो। जिस व्यक्ति को जब दोनों अनुबंध के पक्षकार अपने अपने अनुबंध में दिए गए वचन को पूरा कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध को पूरा कर दिया गया है, संपादित कर दिया गया है। और दूसरा इसी में एक कैटेगरी है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टियों ने या एक पार्टी ने अनुबंध में दिए गए वचन को अभी तक पूरा नहीं किया है, उनका जो प्रॉमिस है वो अभी पेंडिंग है, अब उसे पूरा किया जाना शेष है। बोथ और वन ऑफ द पार्टीज हैव नॉट फुलफिल्ड देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिनमें दोनों को अपने वचनों का अर्थ पूरा करना बाकी है। अनुबंध का एक पक्षकार हो सकता है या अनुबंध के दोनों पक्षकारों ने अगर अपने वचनों को अभी तक निष्पादित नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, तो ऐसे अनुबंधों को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अनुबंध और ठहरावों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं, अनुबंध और ठहरावों का प्रकार हम बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।